नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल लंबी स्पीक्स पे सभी का स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रपति वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से इस समय भारी बवाल मचा हुआ है और ऊपर से सोनिया के तेवर देखिए, स्लिप ऑफ टंग ऐसी भी होती है क्या कि आप भूल जाए मर्यादा अपनी और कुछ भी आपके मुंह से निकल जाए। नौरत का सम्मान न देश की प्रथम नागरिक का सम्मान, और कैसे कैसे लोग बैठ जाते हैं संसद में जाके। जागो नागरिकों, आप किन्हें चुन करके भेज रहे हो संसद में, जरा ये तो सोचिए। क्यों मैं कह रही हूँ ये सब? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी पर बीजेपी सांसदों ने आज सदन के दोनों सदनों में जम के हंगामा किया और बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ने लोकसभा और निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में यह मामला उठाया। बीजेपी ने राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस नेता द्वारा किए गए शब्दों को घृणित और संस्कारों के विरुद्ध बताया और बीजेपी ने ये भी कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन आदिवासी महिला के अपमान पर कांग्रेस से माफी, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही अधीर माफी मांग चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह करके संबोधित किया था और तभी से बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में जो टिप्पणी की उस पर सफाई दी कि उनके मुंह से ये भूलवश निकल गया था, जिसका उन्हें बेहद खेद है, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ये वो मुद्दा उठा रही है। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इतनी बड़ी बातचीत हो गई लेकिन सोनिया गांधी कहती हैं कि आप मुझसे बात ना करें। उन्होंने स्मृति ईरानी को कहा कि डोंट टॉक टू मी, यू नो दिस इज नॉट द वे, किस तरीके से वो बात कर रही हैं। उन्होंने अगर बात करनी थी, अगर वो ये भी कहना चाह रही हैं कि वो माफ़ी मांग चुके हैं, तो उन्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि डोंट टॉक टू मी। दोस्तों, इस तरीके के जो बयान होते हैं वो उन लोगों को बहुत दुख देते हैं जो ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं। तो ये जो बात हुई है, ये बात अपनी जगह, इस पे हंगामा चल रहा है, सब बात हो रही है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि ये वही लोग हैं जिन्हें हम चुन के भेज रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको हमने वोट दिया। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, इस पे काफ़ी तरह की बातें निकल के आ रही हैं। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के ज़रिए, किसी और कहानी को लेकर के। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।